जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर लूँगा। देखिए आप लोग, बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर आप कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो। देखिए यार, इतने सारे कमेंट्स आते हैं और सबका रिप्लाई देना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट्स किया था, और जो जो सवाल यहाँ पर हमारे पास आए हैं, बहुत से सवाल है, उन सवालों को मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, काफी पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स ओबीसी सर्टिफिकेट लग रहा है नहीं लग रहा है, हाइट कितनी ले रहा है, हाइट कम है तो ले रहा है या नहीं ले रहा है, चेस्ट वालों को कितने कम ले रहा है कितना ज्यादा ले रहा है। ठीक है, दौड़ किस ग्राउंड में कहां पर हो रही है। ठीक है, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर उस ग्राउंड में कहां हो रही है, उस ग्राउंड में मतलब ग्राउंड में हो रही है, उस सेंटर पर या फिर रोड पर हो रही है। ठीक है, कितने पास किए जा रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, फेल क्यों हो रहे हैं। ठीक है, समय कितना दिया जा रहा है ना, इसके सारे जितने भी आपके कमेंट्स के जो है कमेंट आए हुए थे सभी को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो एक वीडियो को लाइक चाहूंगा, अच्छा लगे तो, न लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे। और कोई सवाल मैं नहीं बचाऊंगा कि आप लोग कोई सवाल आपके मन में बचे है ना, तो पूरे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को 5 से 6 मिनट का समय निकालकर अंत तक देखिएगा। फिजिकल अगर आपका नहीं हुआ है, अगर फिजिकल हो गया तो आप वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, रनिंग कहाँ पर हो रही है। ठीक है, रनिंग कहाँ पर हो रही है इसका मैं यहाँ पर सबसे पहले जवाब दूंगा। हर सवाल का जवाब देने वाला हूँ, कमेंट्स भी बताऊंगा क्या क्या कमेंट्स आए हैं उनका क्या क्या जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि रनिंग कहाँ पर होगी। तो देखिए यार, याद रखिएगा, बहुत से ऐसे ग्राउंड, देखिए हर ग्राउंड यहाँ पर आपको बता देते, 100 एग्जाम सेंटर जो है आपके फिजिकल सेंटर बनाए गए, इस बात का आपको याद रखना है। और 100 फिजिकल सेंटर में 100 के 100 जो फिजिकल सेंटर है सबका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को एक बात याद रखना है, बहुत से ग्राउंड 70% ग्राउंड ऐसे है जहां पर आपको जो है ग्राउंड में जो है रनिंग कराया जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड में जो है रनिंग कराया जा रहा है, याद रखना है। और 30% ऐसे ग्राउंड है जहां पर आपको रोड की व्यवस्था वहां पर की गई है। आपका ग्राउंड रोड पर हो या फिर ग्राउंड में हो, दिक्कत नहीं है, आपको समय और जो भी चीज़ें सभी पूरा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर समय की बात करूँ तो पूरा 24 मिनट आप लोगों को दिया जा रहा है, इसमें कम बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा है ना, याद रखिएगा। और दूसरी बात, तीसरी यहाँ पर जो आई थी कि वॉच पहन सकते हैं या नहीं। ठीक है, स्टॉप वॉच पहन सकते हैं या नहीं, तो स्टॉप वॉच आप नहीं पहन सकते, वहाँ पर अलाव नहीं है, घड़ी भी अलाव नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी अलाव नहीं है दौड़ते वक्त। अब यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, तो अभी जो 2 से 3 दिन तक जो है फिजिकल होने वाला है उसमें क्या हो रहा है, जनरल वालों को अधिकतर बुलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत एनालिसिस किया, उसके बेस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर आप बहुत से क्या अधिकतर एग्जाम सेंटर में आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, क्योंकि इसकी वजह ये हो रही है कि आपका अभी ओबीसी वालों का, मैंने देखा किसी का भी ओबीसी वालों का जो है फिजिकल नहीं देखने में आया है ना। इस वजह से आपको याद रखना है, आपको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जब आप लोगों का होगा तो मांग सकता है, तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है ना। ऐसा नहीं सोचना है अभी नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया था, आज नहीं लगा है बहुत से स्टूडेंट को। सिर्फ क्या क्या लगा है डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो आपको क्या क्या लगा है, देखिए सबसे पहला आपको फोटो लगा है। ठीक है, फोटो लगा है, फोटो के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड लगा, और तीसरी चीज़ आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड जो है वहाँ पर लगा है। तो 3 चीज़ें ही आज मांगा गया है, इसके बाद कुछ भी नहीं मांगा गया है, क्योंकि आपको बाद में मांग सकता है लेकिन अभी तो नहीं मांगा है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, 3 चीज़ें ही आप लोगों को अभी लग रहा है, लेकिन ओबीसी का कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो 4थी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं हर वीडियो में आप लोगों को जो है पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों के जो है क्लियर नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर देखिए, जो अगर आपके नाम में या फिर आपके एडमिट कार्ड में जो भी अगर डिटेल्स गलत है तो आप जो है 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाइएगा, डेट ऑफ बर्थ भी अगर गलत है तो। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं पास कितने हो रहे, फेल हो रहे, कितने हो रहे, क्यों हो रहे। देखिए सबसे पहली बात, तो अगर यहाँ पर 300 बच्चे, अगर देखिए कुछ एग्जाम सेंटर में 300 बुला रहा है, किसमें जो है 250 बुला रहा है, तो वो इस हिसाब से है, तो कितने लोग दौड़ाया जा रहा है उसको लिख लेते। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत से एग्जाम सेंटर है, अधिकतर में 50 से 60 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, 50 से 60 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर बताऊँ तो जो है सिर्फ 20% बच्चे जो है यहाँ पर फेल हो रहे हैं। 20% अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 10 से 10 लोग जो है फेल हो रहे हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर 40% लोग पास हो रहे हैं, बाकी फिर सीने वीने में कट रहे हैं। ठीक है, सीने की भी बात करने वाला हूँ, किस प्रकार से जो है आपका फिजिकल में सीना चेक हो रहा है। ठीक है, तो पास फेल की यहाँ पर बात कर ली। अब यहाँ पर बात करते हैं चेस्ट की। देखिए चेस्ट किस प्रकार से आपका मापा जा रहा है, देखिए यहाँ पर मैं अगर एक डायग्राम
मैं बनाऊँ, ठीक है। वैसे तो मुझे जो है बनाते आता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना के आप लोगों को जो है बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको हाथ जो है खड़ा करने के लिए बोल दिया जाता है, और यहाँ पर जो आपके निप्पल्स होते हैं तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से ही आपका जो है सीना मापा जा रहा है, ठीक है। अब सीने की बात कर लेते हैं, कितना क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, कम वाले को कितनी चाहिए, जो है 170 है तो चलेगा या नहीं, 169 है तो चलेगा या नहीं। दोस्तों ये चीज़ें सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, काफ़ी पूरे डाउट जितने भी आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। अभी बहुत मैं कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। हाइट की यहाँ पर बात करें, जनरल और ओबीसी और एससी के लिए आपको 170 चाहिए, ठीक है, 170 यहाँ पर चाहिए। मेल की यहाँ पर बात करें एसटी के लिए तो 165 आपको हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डाटा है, ठीक है। फीमेल की वहीं बात करें, जनरल ओबीसी और एससी को 157 सेंटीमीटर चाहिए, और यहाँ पर फीमेल की बात करें एसटी के तो 155 यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसको आप समझ लीजिएगा। चेस्ट देखिए आपका जो है नॉर्मल 80 होना चाहिए, और अगर आप जब फुलाते हैं तो 85 होना चाहिए, ठीक है। मेल ओबीसी और एससी और जनरल, ठीक है, एसटी वालों को 76 से 80 होना चाहिए। मेल को जो है, फीमेल को जो है यहां पर चेस्ट नहीं मापा जा रहा है। अब बात करते हैं रेस, रनिंग कितनी हो रही, तो 5 किलोमीटर में आपको 24 मिनट, और जो कि 24 मिनट जो है आपको पूरा दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि 24 मिनट मिल रहा है या नहीं, तो 24 मिनट पूरा मिल रहा है, ठीक है। फिर यहां पर जो मेल एसटी है तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट, तो यहां पर सभी के लिए रनिंग समान रखी गई है। अब फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, बहुत से जो गर्ल्स बोल रहे थे सर हमें 10 मिनट के नीचे जो है रनिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से जो है मैंने पिछले वीडियो में 10 मिनट बोल दिया था। लेकिन आपको याद रखना है 8.5 मिनट में आपको रनिंग करना है, और जो एसटी के लिए है तो यहाँ पर उनके लिए भी समय सेम रखा गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आप लोग भी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या कुछ चाहिए आप लोगों को, हाइट कितनी चाहिए। यहाँ पर अगर इससे कम है, ये कड़वा सच आपको बताऊं कि इससे अगर आपका कुछ कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। अब आप उसके बाद क्या करते हो आप पर डिपेंड करता है। अब मैं चलता हूं आगे कमेंट्स पर, जो आप लोगों के कमेंट आए उनके सवाल आप लोगों को देने वाला हूं जवाब। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल आया था दिनेश तोमर जी का आया था, सर भाई बोले स्टॉप वॉच लेकर जा सकते हैं, तो ये लेकर आप नहीं जा सकते, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा कमेंट्स था जो कि इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स है, जो बार बार कमेंट जो ज़्यादा अधिकतर लोग जो पूछ रहे थे उनके बारे में, ठीक है। सर सिर्फ फीमेल का जो है दौड़ 1600 मीटर है, ठीक है, इन्हें जिला बारों ने पूछा था, उसका 4 राउंड होगा या फिर फिलिश, ठीक है। तो यहाँ पर 1600 मीटर के 400 मीटर के आपके ग्राउंड है, तो आपके 4 जो है चक्कर हो गए, 4×16, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगला जो आया था बांद्रे आर्मी ने पूछा था कि सर मेरी हाइट 178 है, वेट कितना होना चाहिए। तो देखिए पर्टिकुलर अगर यहाँ पर बात करूँ तो आप गूगल में सर्च करेगा हाइट अकॉर्डिंग वेट, ठीक है, हाइट अकॉर्डिंग वेट मतलब हाइट के ऊंचाई के अनुसार वजन, तो वहाँ पर एक लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट को आप देख लीजिएगा कि आपका 178 है तो उसके लिए कितना वहाँ पर जो है मिनिमम 60 से 65 हो सकता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डाटा यहाँ पर आप जो है गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, ये सवाल हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा कमेंट्स थे उनको देख लेते हैं क्या है। देखिए एक आया था संदीप कुमार का कमेंट आया था कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट 2019 वाला वैलिड है, तो वैलिड है 2019 में, अगर एक दिन पहले भी आप बना के लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक तो नहीं मांगा है, लेकिन ओबीसी वालों का अभी नहीं हुआ इस वजह से नहीं मांगा है, तो अभी मांगेगा इसलिए आप बना के लेके जाइएगा। नेक्स्ट है सर नौकनी है ना, मतलब आपका जो पैर वाला सिस्टम है वो चेक हो रहा है क्या नहीं, तो अभी तक इसमें जो है कोई भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी शायद नहीं हुआ है नौकनी वाला, ये आपका हो सकता है मेडिकल में चेक हो, ठीक है, तो मेडिकल में आपका पैर चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है ये देखा जाएगा, ठीक है, तो मेडिकल में होगा वो। अब अगला सवाल था कि ओबीसी में क्या क्या ले जाना जरूरी है, तो ओबीसी में आपको जो नॉर्मली सभी के लिए चाहिए एसटी एससी ओबीसी जनरल एडमिट कार्ड आधार कार्ड और फोटो, प्लस ओबीसी वालों को जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल का, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर सर जो है क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, देखिए सेकेंड लिस्ट अभी आने के कोई चांस नहीं है, चांस बन रहे हैं क्योंकि आज के फिजिकल के अनुसार बहुत बच्चे बाहर हुए, अब देखे जाएगा कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है, उसके अनुसार आपको बता दी जाएगी कि सेकेंड लिस्ट आएगी क्या नहीं। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और सवाल है उनके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये तो नाइस वीडियो इन्होंने बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगा है एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, देखिए जो आपका एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, छूट प्रमाण पत्र है या फिर आपका नक्सल वाला है या फिर डोमेंशियल है, ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के समय होगा उस समय मांगे जाएंगे, हम आपको अपडेट देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर SSB जो कैंपस है, ठीक है, इसमें जो फील्ड में रनिंग में, देखिए सभी जो एग्जाम सेंटर मैंने पहले ही बोला है, कुछ में आपका ग्राउंड में हो रहा है, ठीक है, और कुछ में आपका रोड में हो रहा है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और आजकल लास्ट यहाँ पर सवाल जो पूछा था झारखंड में कितने में बेच में रनिंग हो रहा है, ठीक है, तो हर एग्जाम सेंटर में आपका 60
बच्चों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है, 50 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों जो भी मैंने जानकारी यहाँ पर बताई है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिनका फिजिकल है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी कुछ अपडेट के साथ, बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पल पल की अपडेट मैं आप लोगों को SSC GD वालों को खासकर देते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।